हमारे मौसम व्यूवर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो लेक्चर में हम पी एन जंक्शन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो तीन तरह के हमारे पास पी एन जंक्शन होते हैं, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड एंड फोटो वोल्टिक सेल। तो सबसे पहले हम लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको एलईडी भी कहते हैं, आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेमी कंडक्टर। ये गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो होता है पी एन जंक्शन, जैसे लाइक इस तरह से होता है ना, पी एंड एन जंक्शन। तो इस तरह, तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर होता है। तो इस तरह का जो एलईडी होता है, उसका पोटेंशियल बैरियर कुछ इस तरह से होता है कि जब यहाँ का होल और यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपस में पोटेंशियल बैरियर पे कंबाइन होते हैं, तो यहाँ से एक फोटोन इमिट होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, लाइट इमिटिंग ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट करेगा। तो जब इसके पोटेंशियल बैरियर पे इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं, तो एक फोटोन इमिट होता है। दिस डायोड्स आर यूज एज स्मॉल लाइट सेंसर के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। लाइक घरों में जो टॉर्चेज होती हैं, जो कि लाइट इंडिकेटर के, जैसे टीवी है तो टीवी ऑन हो गई है तो एक स्मॉल लाइट ऑन होती है, या ऑफ हो गई है तो लाइट ऑफ हो जाती है। टॉर्चेस या चार्जर जो होते हैं, उन वो शो हो रहे होते हैं कि वो ऑन हो गए या ऑफ हो गए। तो वो छोटे छोटे से जो लाइट इंडिकेटर होते हैं, उनमें एलईडीज लगे हुए होते हैं। एलईडी की रियल लाइफ जो है डिवाइस है, और ये इसका सिंबल है। ये दो एरोज अपवर्ड आपको ये शो करें कि फोटोन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। और एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। फिर जैसे कि कैलकुलेटर जो होते हैं, सोलर सेल वाले कैलकुलेटर्स, उसमें भी एलईडी लगे हुए होते हैं। फिर दूसरा है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में जो पी एन जंक्शन होता है, उसको हम रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें लाइट जब पी एन जंक्शन के ऊपर पड़ती है, देखें यहाँ पे पी एन जंक्शन पे ना ऐसे एक एटम पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर सपोज इलेक्ट्रॉन है। जो ही लाइट इसके ऊपर आके गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल आता है। इलेक्ट्रॉन निकल आता है तो पीछे होल बन जाता है। तो मतलब कि एक फोटोन ने, वन फोटोन ने क्रिएट किया इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट किया, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, तो वो सारी बातें इलेक्ट्रॉन ही बैटरी की पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इधर आ जाता है, और होल इस तरफ, होल अपोजिट साइड पे मूव करता है। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये फोटो सेंसर हैं, लाइट को सेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका जो है वो सिंबल डायग्राम कुछ इस तरह से कि ये पी एन जंक्शन है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है और हमें करंट मिलता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी, उतना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। रिवर्स करंट इंक्रीज़ होगा। रिवर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि रिवर्स बायसिंग में है ना, तो जो करंट पैदा होता है वो रिवर्स करंट है। क्योंकि ये सेंसर है, तो सेंसर आपको पता है कि बहुत से स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट उसको चाहिए होता है। तो जितनी मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ होगी, तो फोटो रिवर्स करंट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये जो है, कहाँ आपने इसके सर्किट डायग्राम सिंबल और याद रखना है, और यहाँ यहाँ पर यूज़ होता है। फिर है तीसरा फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल, मतलब कि फोटोन्स गिरे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, वोल्टेज पैदा हुआ। फोटोन्स रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फोटो इज़ इलेक्ट्रिसिटी ना, तो उससे यहाँ से जो है वो वोल्टेज पैदा होता है। दिस पी एन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बिटवीन पी एन यूज टू डिराइव द करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। मतलब गुजारी बात है, जब ये पी एन जंक्शन इस तरह का भी होता है, दिस इज ऑल्सो पी एन जंक्शन, जब लाइट पी एन जंक्शन के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, और वही एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो गए, और इस तरह से ना इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और कोई भी जो डिवाइस होती है, कोई पंखा हो गया, कोई बल्ब हो गया, कोई मोटर हो गई, या एसी हो गया, वट एवर द डिवाइसेस, उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई बैटरी एक्सेट्रा नहीं लगी हुई, जस्ट ये एक जो है वो लोड है सर्किट पर। यहाँ से जस्ट करंट पैदा होता है, और यहाँ से डिवाइस ऑपरेट करती है, ठीक है। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, उतना ज़्यादा करंट होगा। एंड अ सिंगल सिलिकॉन फोटोवोल्ट, एक सिंगल सेल जो होता है, आपको पता है कि फोटो सेल का एक पूरा एक पैनल होता है ना, तो उस पैनल के ऊपर छोटे 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 सेल्स लगे हुए होते हैं। तो एक सेल जो है वो 0.7 वोल्ट की एनर्जी क्रिएट करता है। तो आपको पता है कि एक कितने बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, तो एक पैनल कितने ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता होगा। सिमिलरली सिंगल सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल प्रोड्यूस अ स्मॉल वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट एंड अ करंट इन ऑर्डर ऑफ 2 मिली, मतलब इतना वोल्टेज पैदा करता है, इतना एम्पेयर करंट पैदा करता है, ठीक है। ऑर्डर टू ऑब्टेन ग्रेटर, अगर आपने ज़्यादा पावर लगानी है, तो आप बहुत सारे सेल यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक ना बहुत बड़ी सी पैनल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत छोटे 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 सेल लगे। ये रिमेंबर कि एक छोटा सा सेगमेंट सेल कहलाता है, और बहुत सारे सेल मिलके एक पैनल बना देते हैं। अगर आप पैनल का साइज़ बढ़ा दें, सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा पावर क्रिएट होगी, ठीक है। दिस आर कॉल्ड फोटोवोल्टिक पैनल्स। और ये सेटेलाइट और सेक्टर में भी, सेटेलाइट में हम बिजली तो नहीं ना साथ भेज सकते, तो हम सेटेलाइट्स में जो है वो ये यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स वगैरह, जो कि सेटेलाइट्स को इलेक्ट्रिक
सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। और सेटेलाइट्स में जारी बात है सोलर एनर्जी पड़ रही है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो उससे कन्वर्ट हो जाती है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। कल हम जो है ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट रिमेंबर टू मेमोराइज द सर्किट्स ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, फोटोडायोड एंड LED।